वर्ल्ड न्यूज में देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर, तो खबरें पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित धन शोधन के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। खबर है पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से। तो बता दें, पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी ये खबर है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित धन शोधन के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। यहाँ बता दें, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से ईडी ने सोमवार की पूरी रात इस मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी, जिसके बाद मंगलवार की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मालूम हो चला है कि माणिक भट्टाचार्य पलाशीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। ईडी इससे पहले उन्हें कई बार तलब कर चुका है। मालूम हो कि 27 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी के तलब किए जाने के बावजूद हाजिर हुए नहीं हुए थे। सीबीआई ने जब उन्हें समन भेजा तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक उन्हें गिरफ्तारी से छूट प्रदान की थी। अब खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो बता दें कि यूपी में अलकायदा के 8 संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से 5 यूपी के सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, एक झारखंड, एक उत्तराखंड और एक संदिग्ध बांग्लादेश का रहने वाला है। ये लोग चंदे के नाम पर यूपी में टेरर फंडिंग का काम कर रहे थे। अब खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां यूपी में अलकायदा के 8 संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से 5 यूपी के सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, एक झारखंड का, एक उत्तराखंड और एक संदिग्ध बांग्लादेश का रहने वाला है। ये लोग चंदे के नाम पर यूपी में टेरर फंडिंग का काम कर रहे थे। यह बता दें कि यूपी एटीएस ने बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान संदिग्ध आतंकियों के पास से 2.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। यूपी एटीएस ने इन संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा भी किया है। एटीएस की जांच में ये सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए सभी 8 आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए थे। ये लोग गजवा ए हिंद के मकसद को पूरा करने के लिए लड़कों को भर्ती कराने के काम में लगे हुए थे। यूपी एटीएस ने सभी गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान कर ली है। 8 आरोपियों की पहचान लुकमान सहारनपुर, शहजाद शामली, कारी मुख्तार सहारनपुर, मुदस्सिर हरिद्वार, आमिर सहारनपुर, अलीनूर नवाजिश अंसारी झारखंड और मोहम्मद अलीम सहारनपुर के तौर पर बताए जा रहे हैं। खबर फिर उत्तर प्रदेश से है, तो यहाँ बाहुबली से जुड़ी खबर है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के फरार विधायक बेटे की मुश्किलें अब बढ़ गई है। ईडी ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। एक बार फिर खबर उत्तर प्रदेश के बाहुबली से जुड़ी हुई है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के फरार विधायक बेटे की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब अब्बास अंसारी देश छोड़कर नहीं भाग पाएगा। यहां बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। ईडी ने देश के सभी एयरपोर्ट को लुकआउट नोटिस जारी होने की सूचना भेज दी है। और यही बता दें कि यूपी पुलिस भी अब्बास अंसारी को फरार घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर जांच भी कर रही है। वहीं ईडी ने कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी के दिल्ली, लखनऊ व गाजीपुर के करीब दर्जन भर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग भी जांच के दायरे में आ गए थे। यहाँ बता दें कि इससे पूर्व ईडी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे को नोटिस जारी करके बयान के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। यूपी पुलिस ने भी मुख्तार के बेटे को फरार घोषित कर दिया है। अब खबर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी हुई है। तो रूस ने यूक्रेन पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूस ने सोमवार की रात यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई की है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में घातक मिसाइलों और हवाई हमलों से नागरिक ठिकानों को तबाह कर डाला। इन हमलों में कम से कम अब तक 14 लोगों की मौत भी हो गई है। अब खबर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से है। तो रूस ने यूक्रेन पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए हैं।
रूस ने सोमवार की रात यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई की है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में घातक मिसाइलों और हवाई हमलों से नागरिक ठिकानों को तबाह कर डाला है। इन हमलों में कम से कम अब तक 14 लोगों की मौत भी हो गई है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने कहा है कि सुबह की भीड़भाड़ वाले समय में रूस द्वारा किए गए हमलों में लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रूस के ये हमले यूक्रेन के 14 क्षेत्रों में किए गए हैं। समुद्र और जमीन के रास्ते से किए गए थे ये हमले, जो पश्चिम में लविव से होते हुए पूर्व में खार्किव तक शामिल हैं। रूस ने कहा है कि हमारी मिसाइलों ने यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। इस बीच यूक्रेन का कहना है कि रूस ने नागरिकों पर हमला किया। रूस के हवाई हमले ने कीव शहर में एक खेल के मैदान को निशाना बनाया और दूसरे हवाई हमले ने एक विश्वविद्यालय के परिसर को नष्ट कर दिया है। सोमवार की रात हजारों लोगों को बिजली से वंचित रहना पड़ा। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने मंगलवार से यूरोप को बिजली निर्यात करना बंद करने की घोषणा की है। फिर यूक्रेन से है तो बता दें कि जहां भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस को एक बार फिर से झटका देते हुए पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया है। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को लेकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसके लिए एक गुप्त मतदान की मांग कर रहे थे। खबर फिर यूक्रेन से है तो ये खबर विदेश से जुड़ी हुई है, जहां हम बता दें भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस को एक बार फिर से झटका देते हुए पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया है। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को लेकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसके लिए गुप्त मतदान की मांग भी कर रहे थे। दरअसल यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को लेकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव में रूस की निंदा करने के लिए खुले मतदान की मांग की गई, लेकिन पुतिन इसके लिए गुप्त मतदान की मांग पर अड़े हुए थे, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है और खिलाफ जाकर वोटिंग भी कर दी है। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 107 सदस्य देशों ने रिकॉर्ड वोट के पक्ष में मतदान करने के बाद गुप्त मतदान के लिए मॉस्को की मांग को खारिज कर दिया था। वहीं केवल 13 देशों ने गुप्त मतदान के लिए रूस के आह्वान के पक्ष में मतदान किया, जबकि 39 ने भाग नहीं लिया। रूस और चीन उन देशों में शामिल थे जिन्होंने मतदान नहीं किया है। खबर है बॉलीवुड से तो बता दें कि बिहार में कटघर थाना क्षेत्र के इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। प्रमोद शर्मा का आरोप था कि सोनाक्षी सिन्हा अनुबंध करने के बावजूद भी दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंची, जबकि पेमेंट से लेकर ट्रेन की टिकट का भुगतान भी हो चुका था। खबर है बॉलीवुड से तो एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ जारी हुआ है अरेस्ट वारंट। खबर सिने जगत से जुड़ी है। बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र के इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। प्रमोद शर्मा का आरोप है कि सोनाक्षी सिन्हा अनुबंध करने के बावजूद भी दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होने आई, जबकि पेमेंट से लेकर प्लेन की टिकट तक का भुगतान पहले ही हो चुका था। तो बता दें फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर पैसे लेकर एक इवेंट में शामिल न होने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। सोनाक्षी सिन्हा केस के वादी प्रमोद कुमार शर्मा ने बीते दिनों अपने एडवोकेट आशुतोष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। उनका स्टे भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद ACM 4 ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऑनर करते हुए सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। कटघर थाना क्षेत्र के इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। प्रमोद शर्मा का आरोप है कि सोनाक्षी सिन्हा अनुबंध करने के बावजूद भी दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आई, जबकि पेमेंट से लेकर प्लेन के टिकट तक का भुगतान उन्होंने पहले ही किया हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने उनके साथ 90 लाख से ज्यादा की ठगी की है। इसका केस कटघर थाने में 22 फरवरी 2019 को दर्ज किया गया था। वायरल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल न्यूज़। नमस्कार।